बुरहानपुर विधानसभा में ठाकुर सुरेंद्र सिंह सिरा का नाम कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आने के बाद उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कांग्रेसियों ने ही उनके खिलाफ में मोर्चा खोल रखा है। 23 पार्षदों ने विरोध स्वरूप उनका इस्तीफा दिया है। बता दें कि इसके बाद ठाकुर सुरेंद्र सिंह सिरा ने अल्लाह और भगवान की शरण ली। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह सिरा दरगाहों और मंदिरों में मत्था टेकने पहुंचे हैं। उन्होंने कई पुजारी, कई संतों और कई मौलानाओं से भी आशीर्वाद लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे आला कमान नेताओं ने मेरी काबिलियत और भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए मुझे टिकट दिया है। तो वही तो बोलना चाहता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी ने हमने जो भारत जोड़ो यात्रा का जो वेलकम किया उसमें मेरी क्षमताओं को देखा, परखा और उस हिसाब से मुझे टिकट दिया कि मैं बहुत लोगों को जोड़ लेता हूँ, सबको लेके चलता हूँ साथ। और बहुत तो ऐतिहासिक स्वागत किया राहुल जी, राहुल जी ने बहुत खुश होकर गए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी खुश होकर गए और देश के जितने नेता है बहुत अच्छा लगा। भारत जोड़ो यात्रा का एक इनाम है, इनाम बांटती हो सकते, क्षमताओं का आकलन करते हैं पार्टी के बड़े नेता लोग, कौन किस क्षमता से काम कर सकता है और कौन किस जवाबदेही से अपने काम कर सकता है। और जवाबदेही देखी होना कि मैंने 5 दिन तक लगातार कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में एक एक व्यक्ति को मान सम्मान दिया, उनकी पूरी अल्पसंख्यक में कोई विरोध नहीं है, पहले भी अल्पसंख्यक को टिकट दी गया और उन्होंने टिकट वापस करा और जिस बुजुर्ग शख्सियत को टिकट दिया गया था उनको अपमानित किया गया यहाँ के लोगों ने जो आज विरोध कर रहे हैं। क्या यहाँ पर राजनीति चल रही है? बिल्कुल राजनीति ही चल रही है यहाँ पर, सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि ठाकुर सुरेंद्र सिंह नहीं होना, बाकी उनको सब चल जाते हैं, उनका एक मकसद है, बाकी उनको सब चल जाएगा। और ठाकुर सुरेंद्र सिंह के साथ पूरा मुस्लिम समाज है, कोई तो उनके विरोध में नहीं है, पिछली बार भी जिताया और इस बार भी परचम बहुमत से ठाकुर सुरेंद्र सिंह को जिताया। मेरा यूसुफ बख्श मोहम्मद।